हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। ओके, तो गूगल शीट में नया क्या है? देखिए, एक फिल्टर का फॉर्मूला होता है गूगल शीट में, ये नया है आपके लिए। तो चलिए आइए बात करते हैं फिल्टर फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ से इज इक्वल टू का निशान लगाया मैंने और यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर FILTER। तो जैसे ही FIL प्रेस किया मैंने तो फिल्टर नीचे डिस्प्ले होने लगा और अब आपको टैब बटन प्रेस कर देना है ताकि ये फिल्टर फॉर्मूला आ जाए। तो ये आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गए। अब यहां पर इसमें कोई सिंटैक्स हमें नीचे दिखाई नहीं पड़ता है, तो घबराइए मत, मैं बताता हूं। ये पूरा डेटा, यानी कि पूरा आपका जो डेटाबेस है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब आपको कॉमा देना है, कॉमा देना है। अब ये सोचना है कि आपको चाहिए क्या, किसके बेस पे आप फिल्टर करना चाहते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे मान लीजिए मैं टोटल को ही ले लेता हूं, मैं टोटल देखना चाहता हूं कुछ कंडीशंस, स्पेसिफिक कंडीशंस के बेस पे। आपको कोई कॉमा यहां नहीं देना है, इसके बाद करना है ग्रेटर देन 300। तो मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन 300 वाला ही आपको फिल्टर करके दिया जाएगा पूरा डेटा, क्योंकि मैंने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट किया है। दैट्स व्हाई यहां पे ग्रेटर देन 300 वाला नंबर ही दिया जाएगा। तो यहां पे जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ग्रेटर देन 300 वाला नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं, ठीक है।